दाल फ्राई है, दाल मखनी है, कड़ी पकौड़ा, चना मसाला, मिक्स वेज है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, पनीर भुर्जी, चीज़ टमाटर, चीज़ चिली, चीज़ बटर मसाला, मलाई कोफ्ता, राजमा, चिट्टे छोले, काले छोले। क्या बात है। अगर कहीं भी यार पंजाबी खाने की बात होती है ना, तो बात होती है पंजाबी ढाबों की, पंजाबी देसी ढाबे। अगर पंजाब के खाने में ना इंक्लूड किया जाए तो पंजाब का खाना अधूरा है। तो आज ऐसे ही आपको पंजाबी देसी ढाबा दिखाते हैं, एकदम देसी स्टाइल में, पुरानी किचन, पुराना ढाबा, मंजे वंजे वाला, वही वाला ढाबा। अभी हम आ चुके हैं जिमीदारा ढाबा पे और हमारे साथ यहाँ के ओनर साहब हैं। सतिकाल सर, सतिकाल जी, सतिकाल। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें निकाल के। दी नाम बता दो सर अपना। सरदार संतोख सिंह चाचू। सरदार सर, एक बार बताओ अपना ढाबा कितना पुराना है? 32-33 साल हो गए थे। 32-33 साल हो गया। तो सर ऑलमोस्ट 30 साल पूरे हो चुके आपको यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो 30 साल सर आपने नाम भी इतना बनाया कि लोग पूरे वर्ल्ड में कहते हैं भाई दाल कड़ी जिमीदारा ढाबा का मुकाबला नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इस स्वाद में सर इतना ढाबा प्योर वेज है ना जी? प्योर वेज है, प्योर वेज, शुद्ध वेज। हाँ जी, हाँ जी। ढाबा सर टाइमिंग की क्यों जिम्मे ढाबे के लिए? 24 घंटे खुले हैं। 24 घंटे सर अपनी किचन दिखाओ कहाँ अपने ढाबे की। तो ये यहाँ पे बिलिंग काउंटर है यार, सामने ही ढाबे पे आप आओगे, सिटिंग ये रही एकदम कमाल की बढ़िया देसी सिटिंग है, सामने लाइव किचन है, कोई हिडन नहीं रखा हुआ, सामने जो समान सर सामने बनता है ना। हाँ जी, हाँ जी, सामने बनता है बिल्कुल, कोई अंदर नहीं बनता है, सामने बिल्कुल सामने ही तंदूरी भी आ गया ढाबा के। तंदूरी रोटी लग रही है, क्या बात है यार, तंदूरी रोटी लग रही है, एकदम कुरकुरी कराई तंदूरी रोटी सर। ढाबा बिल्कुल आपने अभी भी देसी रखा हुआ है? देसी जी, बिल्कुल देसी। लस्सी फ्री पिलाना, कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ जी, लस्सी फ्री है, कोई किन्नी मर्जी लस्सी, किन्नी मर्जी लस्सी फ्री है, खाने दे ना, लस्सी फ्री है। ये आ गया जी अंदर किचन, और किचन जो है ना जिमीदारा ढाबा का 24 घंटे खुला है। ये मसाला तैयार करके रखा सारा, ठीक है जी, दो सब्जियां में डालते हैं जी, ये सारी सब्जियां बढ़िया होती है, मिक्स वेज आ गई, पीली दाल आ गई, पीली दाल, वाह जी वाह, कमाल, साथ में बढ़िया ग्रेवी, सारी सब्जियों में यूज होती है, बहुत ही कमाल। ये यार वर्ल्ड फेमस है यहाँ के काले छोले, मतलब यहाँ के आपने काले छोले खा ले सर, दूसरे ढाबे खा नहीं सकता। ये आ गए जी मशहूर कढ़ी पकौड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे उस्ताद जी बना रहे हैं जी चना मसाला, यहाँ का वर्ल्ड फेमस काले छोले ना सर, काले छोले मसाला, क्योंकि काले छोले आजकल ढाबों में मिलते नहीं है, सफेद छोले है ना जो चना मसाला के लोग बेचते, पर यहाँ पे मिलते ऑथेंटिक काले छोले। आ गया जी पनीर कच्चा, पनीर है ना जो छोले बढ़िया क्वांटिटी में डालते हैं, अरे वाह यार, ये चेक करो आप। तो अविनाश जी बनाने लगे हमारे लिए पंजाबी कढ़ी, वाह जी, ओए भाई नाम इंट्रोडक्शन के बाद सीधा ही भाई साहब ने आग निकाल ली है। आग के बाद ये आ गई जी कढ़ी, ओहो मतलब अपने ही दूध है, मार्केट से कुछ डेयरी से नहीं आता। अब ये लंगर चेक करो कड़ी की, वाह ये आ गया जी कड़ी के अंदर पकौड़ा, ये हाफ प्लेट लगाइए सर, अपने फुल है, एक बार दिखाना सर कड़ी, भाई ये लंगर चेक करो कड़ी की, एकदम बढ़िया देसी ढाबा स्टाइल कड़ी, जो आप दाल वगैरह बनाते हो वो दूर में बनाते हो? दूर में करते हो, तो एक बार दाल बना के दिखाओ सर जी। तो उस्ताद जी अभी दाल बना के दिखाएंगे, ये बनने वाली है जिमीदारा ढाबा की वर्ल्ड फेमस दाल फ्राई, दाल फ्राई अपनी दूध में है ना सर। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो दूध के अंदर बनाई जाती हैं, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है कि भाई यहाँ आओ तो दाल जरूर खा के जाना। ये आ गई ताज़ी मलाई, ठीक है अभी दूध, दूध मलाई, वाह दूध और मलाई आ गई है जी, अरे जो भी सामान है यार यहाँ पे ना बड़ा तेजी से बनाया जाता है और हाथों हाथ तैयार होते हैं दाल तैयार है। ये जी देसी ढाबे की देसी दाल बाटी के अंदर, ये हाफ प्लेट होगी भी अपनी है ना सर, ये अपनी मशहूर दाल है, 12 घंटे पकती है सर, 24 घंटे खुला ही ढाबा, 24 घंटे 24 घंटे ढाबा खुला और यार 12 घंटे दाल देख के ऊपर ही रहती है, ऐसे ही बनती रहती है और कटती रहती है। तो यार अभी मैं हूँ जिमीदारा ढाबा की किचन के अंदर, और भाई किचन है ना जो बिल्कुल देसी ढाबा स्टाइल है,
मिट्टी से लिपा हुआ तंदूर है और तंदूर चलता है भाई यहाँ पे 2400 घंटे, एक भी घंटे के लिए तंदूर पूरा दिन बंद नहीं होता। यहाँ पे 24 घंटे पराठे चपाती मिलती रहती है भाई। वो पंजाबी ढाबे पे ये देखो, बाकी ढाबों पर तो ना थोड़ी बहुत ही ग्रीसिंग की जाती है, यहाँ पे जाती है रोटी चौपड़ी। मक्खन चेक करो, टपक टपक के ना, बारिश होती है जैसे वैसे टपक टपक के जा रहा है उसके अंदर। वाह, ये चेक करो, ये जी डाइनिंग टेबल, मतलब ये वर्ल्ड वाइड और कहीं मिलेगा नहीं, पंजाब में मिलेगा। ऐसे मंजे के ऊपर टेबल आपका साथ में, और मंजे में बैठ के ना प्रॉपर सिटिंग पोस्चर में खाना मिलेगा। एसी हॉल इनका है पीछे, बट मौसम ऐसे ही बहुत बढ़िया यार, अच्छा मौसम है पंजाब में। आओ आगे आओ, ये देखो, ये जी काले छोले, जो किसी भी एंगल से काले छोले लग रहे हैं क्योंकि इसमें पनीर है और पनीर वाली ग्रेवी है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई शाही पनीर खरीदा, उसमें थोड़े से काले छोले डाल दिए तो वो काले छोले बन गए। पर ये कमाल वाली आइटम है इनकी, बिकने वाली ज़्यादा। अब ये है जी आगे कढ़ी पकौड़ा, और ऊपर ये देख रहे हो, इसको पंजाब का प्यार बोलते हैं। ये पंजाब का प्यार अगर रोज़ाना लोगे तो आप काफ़ी प्यारे लगोगे, इसलिए आप ये प्यार कम से कम लो जब भी आप पंजाब में आओ। दाल, ओए होए, ये इनकी वो आइटम है जिससे इस ढाबे को पहचान मिली है। ढाबे का नाम हुआ दाल की वजह से, कि दाल कमाल हो। बाकी वही घी से नहलाई रोटी, लोग ना आजकल हर शहरों में जो ढाबे होते हैं, बाहर लिखा होता है ढाबा, बट वो होता है एक रेस्टोरेंट, क्योंकि वो बहुत फैंसी तामझाम होता है। यहाँ पे देसी रसोई, देसी सिटिंग और प्रॉपर हाईवे वाला, तो ऑथेंटिक जो ढाबा वो यही है। आओ दाल देखो, एकदम क्रीमी मखमली, और एक हमारे बड़े भाई कहते रेशमी, वो वाली दाल है ये रेशमी। इसमें दूध और जो मलाई आई ना ताज़ी, उस वजह से ना ये एकदम मखमली हो गई। और ऐसा दांत भी ना हो भाई, जीप के रखो तिलक के अंदर चलेगी घी की वजह से, वो हिसाब है। अब आगे आओ काले छोले, रेसिज्म वाली चीज़ है काले छोले, पर इसको इन्होंने रेसिज्म से हटा दिया क्योंकि गोरे काले पाई पाई कर दिए इसमें, एक गोरापन भी है इसमें, कालापन भी है। तो आ जाओ, काले छोले बिल्कुल भी काले छोले जैसे हैं नहीं। अगर पनीर भी खाना चाहते हो, छोले भी खाना चाहते हो, और कंफ्यूज हो कि भाई इतना फूड वेस्ट हो जाएगा मैं कहाँ खाऊँ, तो ये डिश उन दोनों चीज़ों का जवाब है। यहाँ पे कढ़ी और छोले भी मिलते हैं, कढ़ी के साथ छोले भी। तो आप अगर दो चीज़ें भी मिक्स करवाना चाहो, रीमिक्स तो हो जाएगी, यहाँ पे रीमिक्स होकर फ्लेवर ख़राब नहीं होगा, फ्लेवर बढ़िया ही है। ये डिश वैसी होगी यार जैसे आजकल कक्कड़ परिवार वाले हैं ना, वो पुराने गाने उठाते हैं, उसमें अपनी धुन बजाते हैं, गाने के थोड़े से शब्द वैसे रख देते हैं। अब आ गया जी कढ़ी, ये तो पंजाबी घरों की शान है कढ़ी। देखो अंदर से हो रहा है, सबसे लास्ट में क्यों आया इस पर, सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि सबसे स्वाद ही यही है। पूरी नज़ारेदार कढ़ी है, बढ़िया बढ़िया पकौड़े डले हुए हैं बीच में। ये देखो जब हम आए थे एकदम ताज़े ताज़े पकौड़े बन रहे थे, हाईवे के बिल्कुल ऊपर ही ढाबा है, पीछे बसें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, 24 घंटे खुला है, टाइमिंग का इशू नहीं है, रेट वेट सब कुछ नीचे लिखा होगा, पढ़ लेना और आ जाना।